नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी पीट। दोस्तों, मराठी और हिंदी फिल्मों, सीरियल्स और रंगमंच के जाने माने अभिनेता रमेश भाटकर का निधन हो गया है। वो 70 साल के थे। उन्हें मुंबई के एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, रमेश भाटकर का ख्याल जहन में आता है तो हमें अचानक कमांडर याद आ जाता है, वो पुलिस ऑफिसर जिसकी तहकीकात में शर्लोक होम जैसी गहराई थी, जिसकी आंखें कैमरे से फ्लर्ट करती थीं। मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा पुलिस ऑफिसर अगर शहर में है तो आम आदमी को अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कमांडर सब संभाल लेगा। रमेश भाटकर की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी, वो चाहे स्क्रीन के किसी भी फ्रेम में खड़े हों, कैमरा उनको कैच कर ही लेता था। बाकी को एक्ट्रेस तो इस एक्टर के चार्म के आगे कई बार फीके पड़ जाते। रमेश भाटकर को उनके पुलिस अधिकारी के रोल के लिए हमेशा सराहा जाता। हेलो इंस्पेक्टर और दामिनी जैसे टीवी सीरियल्स में उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई थी। रमेश भाटकर हाल ही में आई अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के रोल में नजर आए थे। रमेश भाटकर का जन्म 3 अगस्त 1949 को हुआ था। उनके पिता वासुदेव भाटकर बड़े गायक और संगीतकार थे। साल 1977 में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। लगातार 30 साल से काम कर रहे रमेश भाटकर को हमेशा यंग और हसमुख अभिनेता के तौर पर याद किया जाता था। उनके सीरियल्स तू तिथे मी और मांझे पति सौभाग्यवती काफी फेमस हुए थे। उनके नाटक अश्रुंची झाली फुले, केवा तरी पाहट, आखिर तू ये शील और मुक्ता को काफी लोकप्रियता मिली थी। रमेश भाटकर ने मराठी में अष्ट विनायक, दुनिया करी सलाम, महरेची साड़ी सहित कई फिल्मों में काम किया। मराठी सिनेमा और थिएटर को दिए अपने योगदान के लिए पिछले साल उन्हें अखिल भारतीय मराठी थिएटर मीट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। रमेश भाटकर पिछले एक साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और पिछले 15 दिनों से वो आईसीयू में एडमिट थे, और वो दिन आ ही गया जब कैंसर से वो जंग हार गए। ऐसे महान अभिनेता को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।